और बोलो और बोलो सर, वी देख ऑनरेबल स्पीकर सर, नो सर, वेट सर, प्लीज वेट सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर हम काम नहीं कराते होते तो बार बार जीत कर नहीं आते। 6 मरतबा जीत कर आया हूं और लोग यहां से यहां जाते हैं, वहां से वहां आते हैं, लेकिन हम जाए वहीं खड़े हुए हैं। मंसूबे बनाए, साजिश बनाए, हम बुरे दिखे, मुसलमानों की एक आवाज को दबाने की कोशिश करी वो कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने एतमाद का इजहार हम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पे किया और हम कामयाब होकर आए हैं, कामयाब होकर आते रहेंगे। लेट मी मेक इट वन मोर थिंग क्लियर सर, आई हैव कम विद अ मेजॉरिटी ऑफ 81,000 चेंज वोट्स एंड आई हैव सिक्योर्ड 67,000 पोल वोट्स। मतलब यह कि आवाम का भरोसा हमारे साथ है। आप अगर समझते हैं कि आपको इख्तदार मिल गया 10 बरस के बाद तो आप हमको डराएंगे, हम डरेंगे? हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है, हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे, हमको भेज दिया शहर से, हम उस वक्त भी नहीं डरे। अरे हम डरने घबराने वाले नहीं है। मैं 5 मरतबा जेल में जाके आ चुका हूं, और भी जाना है तो जाएंगे। आप तसादुम चाहते हैं, ठीक है, हम करने तैयार हैं, हम गले लगाने को भी तैयार हैं, लेकिन याद रखो हमारे हाथ दराज हैं, हम इख्तदार के गिरेबानों को खेल सकते हैं, हम अपने दामन के तार बेचने को तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि इख्तदार है तो हम डर जाएंगे और उठकर हमको डिस्टर्ब करेंगे, नहीं। मुसलमानों की आवाज तेलंगाना में थी, है और रहेगी। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। यह आवाज पूरे आप वो ताप के साथ थी और आप वो ताप के साथ ही रहेगी। हम मसाइल के लिए जिद्दोजहद करते रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारी जिद्दोजहद चंद्रा बाबू नायडू के दौर में भी थी, हमारी जिद्दोजहद, आई एम कंक्लूडिंग सर, हमारी जिद्दोजहद सीएम साहब बात स्पीकर सर, एक नया मेंबर, नहीं नहीं स्पीकर सर, एक नया मेंबर, इतना सीनियर मेंबर नया बनाए सो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो वो ये मांगा कि 10 साल पिछले सर, प्लीज 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 गिव मी, नो 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 मिस्टर मिस्टर प्लीज मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी, no 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 Asad sir, definitely you will get mic, you can no 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 definitely you will get mic, you can put your argument, I'm not going to, no no speaker sir, Akbaruddin Owaisi ji jitne bar bole jitne minute bole hum kuch nahi kaha, magar ye koi tarika nahi hai speaker sir, असद साहब अकबर साहब स्पीकर सर बैठिए, आपको माइक देता हूं, स्पीकर सर बैठिए, इतना नहीं सर, स्पीकर सर अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए, इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए। हम जितना उनको वो पार्टी को माइनॉरिटी से को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। ये 1 मिनट, यस बिकॉज ऑफ योर सीनियरिटी, this is not any out of turn quota, we have respected your seniority and your experience, that is what I wanted to clarify. At the same time he has to respect colleague member, he is also, no seniority doesn't get any extraordinary powers. Seniority or juniority or first time or 10th time member, har member ke liye ek hi tarah ke hak hote hain. Aapke adhyaksh mein जितने भी 119 मेंबर्स है
हर मेंबर के लिए एक ही तरह का यहां पर मौका मिलना चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए। अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सबर करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे, तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे। क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए, जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवमपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहाँ भेजे। किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहाँ पर हम लोग सब दोस्त है, कलीग मेंबर्स है, एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे। और तीसरी बात स्पीकर सर, आई वांटेड टू सेटराइट द रिकॉर्ड्स, जितने भी मेरे लर्नर फ्रेंड ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उनका रिकॉर्ड, उनका एक्सपीरियंस ये सभा में रखने के लिए उनको मौका मिले, आप माइक दिए, साहब ने ये मौका को अच्छा उनके डेवलपमेंट के बारे में बोले। मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ स्पीकर सर, ट्रांसमिशन लॉसेस जितना तरक्की किए, वो सरकार में था, वो अलायंस पार्टनर है, वो सरकार से अलग नहीं है। बार बार यहीं से केसीआर साहब ने, वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा, टीआरएस और बीआरए, टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे, वो और ए 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में आप जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप जो बात हमारे सामने रखे, हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते, वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारे जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले सो वाला नहीं है, ये आम जनता हिंदूज पे उनको वोट डाले, जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 MLA जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को, ये बात कहना चाहता है? ये बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है, सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए, आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे, भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे, ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं 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 सर, आपको जब माइक, स्पीकर सर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना, तब उनके बात वो रख सकता है, लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर। सर सर वही सच है तो सर, सर अगर 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 वही सच रहा तो हम लोग एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए, अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात कामा रेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कलवकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामा रेड्डी से चुनाव लड़ा साहब। इन अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कलवकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल, अकबर साहब डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो आप भाई। और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब आप हाउस को आगे में रखो सर, बैठिए आप हाउस को आगे में रखो सर, बाद में जो बोल रहे हैं बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ, आप बैठिए सर, बैठिए मैं दे तो अकबर साहब को देता हूँ, आप अकबर साहब को देता हूँ, बैठिए आप स्पीकर सर, बैठिए स्पीकर सर, अगर ये मामला आप बैठिए, हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी
अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए तो मेरा साथी डॉक्टर कवमपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर, दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है, वो दलित है, दलित को एमआईएम मुसलमान मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देख कर एमआईएम सोच कर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में भेजना नहीं भेजना उनके उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर, अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर, मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में रखना चाहता हूँ। हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्धिपेट डिविजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गढ़वाल डिविजन 50.29 ट्रांसमिशन लॉसेस। स्पीकर सर, विद्युत सरबराहलो బిల్లుల వసూలులో ఈ రోజు హరీష్ రావు గారు బాధ్యత వహిస్తున్న సిద్దిపేటలో 61.37% అధ్యక్ష, గజ్వెల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న శాసనసభ నియోజకవర్గంలో 50.29 ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్. ఇప్పటి వరకు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఏదైతే చెప్తున్నారో హైదరాబాద్ సౌత్ నుంచి 43% ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్. ఈ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా విద్యుత్ వినియోగం చేసే దాంట్లో బిల్లులు ఎగవేసిన దాంట్లో మొదటి స్థానం సిద్దిపేట ఉంది, రెండవ స్థానంలో గజ్వేల్ ఉంది, మూడవ స్థానంలో హైదరాబాద్ సౌత్ ఉంది. ఈ ముగ్గురు లీడర్లు 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించి విద్యుత్ బకాయిలు చెల్లించక మొండి బకాయిలల్లా సిద్దిపేట, గజ్వేల్, హైదరాబాద్ సౌత్ ఉన్నది అధ్యక్ష. ఈ రోజు మొత్తం విద్యుత్ రంగమే దివాలా తీయడానికి, అప్పుల పాలు కావడానికి ఈ మూడు ప్రాంతాల నుంచి బిల్లులు చెల్లించకపోవడం వల్ల ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి దాపురించింది. నేను ఇప్పుడు మీ ద్వారా సభ్యులను నేను అడుగుతున్నా అధ్యక్ష, ఇన్ని పెండింగ్ బకాయిలు ఉన్నాయి, ఇంత బాధ్యతతో మాట్లాడినా, ఇంత డేటా తీసుకొని మాట్లాడినా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఎస్ మా ప్రాంతాల నుంచి బిల్లు చెల్లింపులో బకాయిలు ఉన్నాయి, నేను హరీష్ రావు గారు అదేవిధంగా చంద్రశేఖరరావు గారు బాధ్యత తీసుకొని ఈ బిల్లులు చెల్లిస్తామని ఎందుకు ముందుకు రాలేదు సార్, ఇది పద్ధతా సార్? అదేవిధంగా స్పీకర్ సార్ ఇన్ని విషయాలు మాట్లాడినప్పుడు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అంతకంటే ముందు జగదీశ్వర రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా విద్యుత్ కోతలు ఉన్నాయా, ఏ రైతులైనా రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నా చేసినరా, ఏ రైతులైనా విద్యుత్ రావడం లేదని అడిగినరా అని చెప్పి మాజీ మంత్రి జగదీశ్వర రెడ్డి గారు మాట్లాడినరు. వారి సమాచారం కోసం నేను చెప్తున్నా స్పీకర్ సార్, కామారెడ్డి ఎక్కడి నుంచి అయితే కేసీఆర్ గారు గెలవాలని వెళ్ళిపోయి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిందో ఆ కామారెడ్డిలో సెప్టెంబర్ 1 నాడు కరెంటు సబ్స్టేషన్లో ముట్టడి చేసి మొత్తం రైతులు ధర్నా చేసి రోడ్లెక్కి కామారెడ్డిలో నిరసన తెలిపినరు. 24 గంటలు కాదు కదా, 10 గంటల విద్యుత్ కూడా ఇవ్వడం లేదని కామారెడ్డి శాసనసభలో ఆ నియోజకవర్గంలో ఏ కామారెడ్డి జిల్లా బాగర్తిపల్లి సబ్స్టేషన్ ఎదుట ఆందోళన చేస్తున్న రైతులు, వేముల నర్వ శివారులో ఎండిపోయిన మొక్కజొన్న పంటను మేస్తున్న గొర్రెలు. ఇది సమాచారం అధ్యక్ష. ఒకవేళ కామారెడ్డి కేసీఆర్ ఇలాక కాబట్టి నాకు సంబంధం లేదని మాజీ విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గారు మాట్లాడవచ్చు. ఇక్కడ సూర్యాపేట జిల్లా నేరడిచెర్ల దగ్గర రాస్తా రోకో చేస్తున్నారు. నేరడిచెర్ల గరిడేపల్లిలో వారి సొంత జిల్లా రైతులు రోడ్డెక్కి రాస్తా రోకో చేసిన వివరాలు అధ్యక్ష.